अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के प्ले अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट के एक्ट 1 सीन 2 और सीन 3 की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस प्ले के सीन 1 की उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोज भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन के राइट कॉर्नर पर मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीन 1 के एंड में जनरल पावर्स क्रीटॉन को इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए स्टडी रूम में ले जाते हैं, जबकि मिस्टर स्पेल्डिंग, उनकी बेटी एलन और उसका लवर जॉन बाहर लिविंग रूम में ही बैठे बातें कर रहे होते हैं। लिहाजा अब सीन 2 का स्टार्ट हो रहा है मिस्टर स्पेल्डिंग के स्टडी रूम से। अ हैंडसमली फर्निश्ड स्टडी, मैनी बुक्स एंड अ ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड। मंजर शुरू होता है खूबसूरत स्टडी रूम से, जहां बेशुमार किताबों के साथ साथ एक ग्लोब यानी शोपीस नुमा दुनिया का नक्शा भी रखा हुआ है। क्रीटॉन सिट्स कॉम्प्लायबली बिसाइड द ग्लोब विच ही ट्विल्स थॉटफुली। क्रीटॉन ग्लोब के पास आराम से बैठा है और कुछ सोचते हुए उस ग्लोब को घुमा रहा है। द डोर ओपन्स एंड पावर एंटर्स। दरवाजा खुलता है और जनरल पावर्स स्टडी रूम में दाखिल होते हैं। पावर्स, जिनको क्रीटॉन की किसी भी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, अब स्टडी रूम में आकर क्रीटॉन से दोबारा इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। पावर्स कहते हैं, आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू कंफ्यूज मी? क्या तुम मुझे जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो? क्रीटॉन, नो डेलिबरेटली, नो, नहीं जानबूझ के तो नहीं कर रहा। पावर्स, वी हैव गॉन ओवर एंड ओवर दिस फॉर 2 आवर्स नाउ। तो फिर हम जो तुमसे 2 घंटे से मुसलसल बार बार पूछे जा रहे हैं, एंड ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी इज दैट यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, और तुमने सिर्फ मुझे यही जवाब दिया है कि तुम किसी और सैयारे से आए हो, इन अनदर सोलर सिस्टम, किसी और सोलर सिस्टम से। क्रीटॉन, इन अनदर डायमेंशन, आई थिंक दैट्स द वर्ड यू यूज। हाँ, मैं किसी और डायमेंशन से आया हूँ, मेरा ख्याल है आप लोग डायमेंशन का वर्ड यूज करते हैं। पावर्स, इन अनदर डायमेंशंस एंड यू हैव कम हियर एज अ टूरिस्ट। तो तुम किसी और डायमेंशन से एज अ टूरिस्ट आए हो, यहां घूमने फिरने के लिए आए हो। क्रीटॉन, अप टू अ पॉइंट यस, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? जी, कुछ हद तक ये भी ठीक है, वैसे आपको क्या लगा था क्यों आया हूं मैं? पावर्स, इट इज माय जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मेरा तो काम ही इस मुल्क की हिफाजत करना है। क्रीटॉन, आई एम श्योर दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, और हां, मुझे लगता है वैसे ये काम भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पावर्स, फॉर ऑल आई नो यू आर अ स्पाई sent here by an alien race to study us preparatory to invasion. जहां तक मैं जानता हूं, तुम एक जासूस हो जिसको किसी खलाई मखलूक ने हमें स्टडी करने के लिए भेजा है, यानी हमारे बारे में जानने के लिए भेजा है, प्रिपरेटरी टू इन्वेजन, और तुम लोग हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हो। क्रीटॉन, ओ नन ऑफ माई पीपल वुड ड्रीम ऑफ इन्वेडिंग यू। अरे नहीं नहीं, मेरी दुनिया के लोग तो आप पर हमला करने के बारे में सोचते भी नहीं है। पावर्स, हाउ डू आई नो दैट्स ट्रू? तो मैं कैसे मान लू कि ये तुम सच कह रहे हो? क्रीटॉन, यू डोंट सो, तो आप नहीं माने। I suggest you believe me. वैसे मैं मशवरा तो यही दूंगा कि आप मेरी बात को मान लें। I should also warn you, I can tell what's inside. वैसे मैं आपको ये भी warn कर दूं कि मुझे पता चल जाता है अंदर क्या चल रहा है। What's inside? अंदर क्या चल रहा है मतलब? What's inside your mind? मतलब आपके जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? You are a mind reader. तो तुम mind reader हो? I don't really read it, I hear it. नहीं, mind reader तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सुन लेता हूँ। मतलब आपका जहन आपसे क्या कह रहा है, मैं ये सुन लेता हूँ। Powers, what am I thinking? अच्छा तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त? Creton, that I am either a lunatic from the earth or a spy from another world. आप यही सोच रहे हैं कि मैं इसी जमीन का कोई पागल हूँ या किसी और दुनिया से आया हुआ कोई स्पाई हूँ? Powers, correct. हाँ, सही बताया तुमने। But then you could have guessed that. वैसे ये तो खैर तुम तुक्का भी लगा सकते थे। Frowns, what am I thinking now? अब बताओ जरा मैं क्या सोच रहा हूँ? Creton, you are making a picture. आप एक पिक्चर बना रहे हैं। 3 silver stars. You are pinning them on your shoulder instead of the 2 stars you now wear. आपके जहन में पिक्चर बन रही है कि ये जो आपके शोल्डर पर 2 stars बने हुए हैं, इनकी जगह आप अपने शोल्डर के ऊपर 3 stars को लगता हुआ देख रहे हैं, और आई मीन आप अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं। पावर्स स्टार्टल्ड, पावर्स हैरान रह जाते हैं। दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई प्रमोशन, मैं वाकई में अपनी प्रमोशन के बारे में ही सोच रहा था। क्रीटॉन, इफ देर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हरी इट अलॉन्ग जस्ट लेट मी नो। तो फिर आपकी प्रमोशन जरा जल्दी हो जाए, इस बारे में अगर मैं आपकी कोई मदद करता हूँ तो मुझे जरूर खिदमत का मौका दें। पावर्स, यू कैन, हाँ तुम ही तो कर सकते हो। टेल मी व्हाई यू आर हियर, बस इतना बता दो तुम यहाँ क्यों आए हो, जमीन पर क्या मकसद है तुम्हारा आने का? क्रीटॉन, वेल,
वी डोंट ट्रैवल मच माय पीपल। देखें वैसे तो हमारे लोग ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, वी यूज्ड टू, हम किसी जमाने में ट्रैवल किया करते थे, बट सिंस वी सी एवरीथिंग थ्रू स्पेशल मॉनिटर्स एंड रिक्रिएटर्स, लेकिन अब तो हमारे पास स्पेशल मॉनिटर्स हैं, रिक्रिएटर्स हैं, हम सब लोग उसी पर देख लेते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है, देयर इज नो पर्टिकुलर नीड टू ट्रैवल, तो अब हमें जरूरत नहीं है कोई खास कि हम सफर करें। हाउएवर आई एम अ हॉबीस्ट, आई लव टू गैड अबाउट, लेकिन मैं तो एक हॉबीस्ट हूँ ना, मेरा तो शौक है जमीन पर घूमना फिरना, आई लव टू गैड अबाउट। पावर्स टेकिंग नोट्स, पावर्स जो कि उसकी तमाम जवाबात को अपने पास लिख रहे होते हैं, उससे पूछते हैं, आर यू द फर्स्ट टू विजिट अस, तो तुम अपने सैयारे से पहले बंदे हो जो यहाँ जमीन पर घूमने आए हो। क्रिटन, ओ नो, अरे नहीं भाई, वी स्टार्टेड विजिटिंग यू लॉन्ग बिफोर देयर वर पीपल ऑन द प्लैनेट, हम तो उस जमाने से जमीन पर घूमने के लिए आ रहे हैं जब जमीन पर इंसान भी नहीं होते थे। हाउएवर वी आर सेल्डम नोटिस्ड ऑन आवर ट्रिप्स, वो अलग बात है कि हमें जमीन पर लोग नोटिस नहीं कर पाते। आई एम सॉरी टू से आई स्लिप्ड अप कमिंग इन द वे आई डिड, वैसे मैं माजरत चाहता हूं, मैं यहां जमीन पर बस गलती से आ गया, बट देन दिस विजिट वॉज ऑल रादर इम्प्रॉम्प्टू, और ये कोई सोचा समझा भी विजिट नहीं था, बस यूं ही अचानक में इस तरफ निकल आया। लाफ्स, हंसते हुए कहता है, आई एम अ क्रिएचर ऑफ इम्पल्स आई फियर, बस मैं जरा जज्बाती हूं ना, मतलब यहां बस ऐसे ही आ गया, बस मूड बना और आ गया। एड लुक्स इन, इतने में एड अंदर दाखिल होता है, चीफ ऑफ स्टाफ ऑन द टेलीफोन, एड जनरल पावर्स से कहते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कॉल पर आ गए। पावर्स पिक अप द फोन, पावर्स फोन उठाते हैं और चीफ ऑफ स्टाफ से फोन पर बात करने लगते हैं। हेलो, यस सर, पावर्स इज स्पीकिंग, हेलो, जी सर, पावर बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू हिम नाउ, जी सर मैं उसी से बात कर रहा हूँ, नो सर, नो सर, नो वी कैन डिटरमाइन व्हाट मेथड ऑफ पावर वॉज यूज, नहीं सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, वो पता नहीं कौन सी पावर यूज कर रहा है अपने जहाज में। ही वॉन्ट टॉक, नहीं सर वो बताया गया नहीं, यस सर आई विल होल्ड हिम हियर, जी सर मैंने उसे रोक के रखा हुआ है। I have put the house under martial law. सर मैंने मार्शल लॉ भी लगा दिया इस घर के ऊपर। Belong to the house of mine, ये मेरे दोस्त का ही घर है। Roger Spelling, the TV commentator. Roger Spelling, वो TV में commentary करता है। Roger Spelling, the TV, what? Oh no, I'm sure he won't say anything. नहीं नहीं सर कुछ नहीं बोलेगा। Roger Spelling कुछ भी कोई खबर नहीं देगा TV पे। Who? Oh yes sir. Yes, I realize the importance of it. जी सर मुझे मामले की नजाकत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। Yes, I will. जी सर बिल्कुल वैसे ही करूंगा। गुड बाय, हैंग्स अप। जनरल पावर्स फोन रख देते हैं और फिर क्रिटॉन से कहते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वॉन्ट्स टू नो ऑल अबाउट यू, अमेरिका के प्रेसिडेंट तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। क्रिटॉन, हाउ नाइस ऑफ हिम, ये तो बहुत अच्छी बात है, एंड आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट हिम, वैसे जानना तो मैं भी उनके बारे में सब कुछ चाहता हूँ, बट आई डू विश यू लेट मी रेस्ट अ बिट फर्स्ट, लेकिन आप लोग जरा मुझे कुछ थोड़ा आराम तो करने देना। योर लैंग्वेज इज स्टिल नॉट फेमिलियर टू मी, आपकी जबान भी मुझे अभी तरह पूरी समझ में नहीं आई, आई हैड टू लर्न देम ऑल क्वाइट एग्जॉस्टिंग, और मुझे अभी ये सारी जबानें सीखनी है इस दुनिया की, बड़ा मुश्किल काम है ये। पावर्स, यू स्पीक ऑल आवर लैंग्वेजेस, क्या तुम हमारी सारी जबानें बोल लेते हो? क्रिटॉन, यस ऑल ऑफ देम, हाँ सारी बोल लेता हूँ, बट देन इट्स इजियर देन यू माइट थिंक सिंस आई कैन सी व्हाट्स इनसाइड, लेकिन ये बहुत आसान है मेरे लिए, आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको तो पता है ना मैं तो जान जाता हूँ कि इनसाइड क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, मुझे तो सब पता चल जाता है, तो मैं ज़माने भी सीख जाता हूँ। Powers, speaking of what inside, हाँ अंदर क्या चल रहा है से याद आया, we are going to take your ship apart, हम तुम्हारे जहाज को खोलने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं अंदर क्या है। Kriton, oh I wish you wouldn't, अरे ऐसा ना करे ना, security demands it, Powers कहते हैं भाई security का मसला है, ये तो खोलना तो पड़ेगा। Kriton, in that case my security demands you leave it alone, इस तरह तो मेरी भी security का मामला है कि आप मेरे जहाज को हाथ ना लगाएं। Powers, you plan to stop us, तो क्या तुम हमें रोकने का इरादा कर रहे हो? I already have, listen, अरे मैं तो आपको रोक भी चुका हूँ, खुद ही सुन ले। Far off shouting, Ed rushes into the study. दूर से Ed चिल्लाता हुआ study room के अंदर दाखिल होता है। Something has happened to the ship, General. General साहब, जहाज को कुछ हो गया है। The doors shut and there is some kind of wall all around it. दरवाजा खुद ही बंद हो गया है और इसके गिर्द एक दीवार बन गई है। An invisible wall, एक नजर ना आने वाली दीवार है। We can't get near it, और हम जहाज के बिल्कुल करीब नहीं जा पा रहे। Kriton, I hope there was no one inside. बस शुक्र है अंदर कोई बंद ना हो गया। Power to Kriton, Power Kriton से कहते हैं, How did you do that? किस तरह किया तुमने ये सब? Kriton, I couldn't begin to explain. अब मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता। Now if you don't mind, I think we should go in and see our host. मेरा ख्याल है हम लोग को अब अंदर जाना चाहिए और वो लोग बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे हमें बात बात करनी चाहिए। He rises, goes into living room. Powers and Ed look at each other. वो उठता है और स्टडी रूम से बाहर चला जाता। Powers, don't let him out of your sight. Ed से कहते हैं, इसको अपनी नजरों से दूर मत होने देना। Powers picks up the phone और उसके बाद फिर Powers दोबारा फोन मिलाने लगते हैं। और यूं हमारा सीन 3 शुरू होता है लिविंग रूम से। सेम लिविंग रूम एज इन सीन 1, क्रिटॉन इज विद जॉन एंड एलन। वही लिविंग रूम है जो कि सीन 1 के अंदर था और क्रिटॉन जॉन और एलन के साथ अब बातें कर रहा है। क्रिटॉन बाहर आने के बाद जॉन और
एलन से कहता है, आई डोंट माइंड क्यूरियोसिटी बट आई रियली कैन परमिट देम टू रेक माई पुअर शिप। मुझे उनका तजस्सुस करना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं उनको ये भी इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरे शिप को तोड़ना शुरू कर दे। एलन, व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ यू आर हियर? तो फिर अब आपके क्या इरादे हैं, अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं जमीन के ऊपर? क्रीटोन, ओह कीप बिजी, अरे बड़ी मसरूफियत है, आई हैव अ प्रोजेक्ट और टू, एक दो प्रोजेक्ट है उनको निपटाना है। और फिर एक आह बढ़ते हुए कहता है, आई कैंट बिलीव यू आर रियल, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा आप लोग वाकई में रियल हैं, यानी क्रीटोन को यकीन नहीं आ रहा कि वो रियल में इंसानों के दरमियान मौजूद है। जॉन कहता है, देन वी आर ऑल इन द सेम बोट, इस तरह तो हम और आप एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, यानी हमें आप पर यकीन नहीं हो रहा कि आप स्पेस से आए हैं और आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा कि हम रियल में यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ। क्रीटोन, बोट, अरे हाँ मुझे याद आया, आई शुड हैव कम एजेस अगो बट आई कुडंट गेट अवे अंटिल यस्टरडे, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन बस मैं कल ही निकल सका यहाँ आने के लिए, और आई टुक अ डे टू गेट हियर, और बस मुझे एक ही दिन लगा है यहाँ पर आने में। जॉन, यस्टरडे, इट ओनली टुक यू अ डे टू गेट हियर, कल ही आप निकले यहाँ आने के लिए, मतलब आपको सिर्फ एक ही दिन लगा यहाँ आने के लिए? क्रीटोन, वन ऑफ माई डेज नॉट योर्स, अरे मेरे सैयारे का एक दिन लगा है, यहाँ दुनिया का एक दिन थोड़ी लगा है। बट देन यू डोंट नो अबाउट टाइम येट, लेकिन खैर आपको ये टाइम वगैरह समझ में नहीं आएगा। जॉन, ओ यू मीन रिलेटिविटी, यानी आपका मतलब है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बात कर रहे हैं। क्रीटोन, नो इट्स मच मोर इन्वॉल्व देन दैट, अरे नहीं भाई इससे बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। यू वॉन्ट नो अबाउट टाइम अंटिल नाउ, वैसे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा टाइम के बारे में जब तक कि तुम, लेट मी सी इफ आई रिमेम्बर, शायद मुझे याद आ जाए, नो आई डोंट बट इट्स अबाउट 2000 ईयर्स, मेरा ख्याल है हम हमारी दुनिया का एक दिन तुम्हारी दुनिया के 2000 साल के बराबर होगा, बस ये समझ लो कि मुझे 2000 साल लगे तुम्हारी दुनिया के हिसाब से यहाँ आने में। जॉन, व्हाट डू वी डू बिटवीन नाउ एंड देन, तो फिर हम 2000 साल से अब तक यहाँ पे क्या कर रहे थे? यू सिंपली गो ऑन द वे यू आर लिविंग योर एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइफ, तुम लोग बस हमेशा से यूं ही अपनी पुरानी जोशीली जिंदगियां गुजारते हुए आ रहे हो जैसे अभी गुजार रहे हो। यू हैव नो आइडिया हाउ मच फन यू आर हैविंग नाउ, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आने वाला टाइम कितना शानदार होने वाला है। एलन, आई होप यू विल स्टे विद अस व्हाइल यू आर हियर, मुझे उम्मीद है कि जब तक आप जमीन पर हैं आप हमारे घर पर ही स्टे करेंगे। क्रीटोन, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, परहैप्स आई विल, वैसे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शायद मैं आपके घर पर ही स्टे करूं। दो आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर अंडर फुट ऑल द टाइम, हालांकि मुझे पता है कि आप लोग यूं बिन बुलाए मेहमान के हर वक्त सर पर सवार रहने से तंग आ जाएंगे। एलन, सर्टेनली नॉट, नहीं नहीं हम बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, एंड डैडी विल बी डिलीरियसली हैप्पी, और डैडी तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, ही कैन इंटरव्यू यू बाय द आवर, और वो आपका इंटरव्यू भी तो कर लेंगे ना। जॉन, व्हाट्स इट्स लाइक इन आउटर स्पेस, वैसे ये स्पेस होती कैसे है ये तो बताएं। क्रीटोन, डल, बड़ी बेरौनक सी होती है। एलन, आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन, मैं तो समझती थी बड़ी रोशन सी होती होगी। पावर्स एंटर्स, इतने में जनरल पावर्स स्टडी रूम में से निकलकर बाहर लिविंग रूम में आ जाते हैं। क्रीटोन जनरल पावर्स को देखकर बोलते हैं, नो जनरल इट वोंट वर्क, नहीं जनरल साहब इससे भी काम नहीं चलेगा। पावर्स, व्हाट वोंट वर्क, किससे काम नहीं चलेगा? क्रीटोन, ट्राइंग टू ब्लो अप माय लिटिल फर्ट्स व्हील, मेरे नन्हे से जहाज को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना, यू विल जस्ट ब्लो अप मिसेस स्पेल्डिंग्स गार्डन, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा बल्कि उल्टा मिसेस स्पेल्डिंग का गार्डन दबा हो जाएगा बस। पावर्स स्नार्ल्स एंड गोज इनटू स्टडी, पावर्स गुस्से से घुर्राते हैं और वापस स्टडी रूम में चले जाते हैं। एलन बड़ी हैरानगी से पूछती है, कैन यू टेल व्हाट वी आर ऑल थिंकिंग, क्या तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं? क्रीटोन, यस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मेक्स मी अ बेदगिरी, हाँ मुझे बिल्कुल सब कुछ पता चल जाता है, मगर सच कहूं तो तुम लोगों की सोचों को सुन सुनकर मेरा सर चकराने लगता है। योर माइंड्स आर नॉट एट ऑल आर लाइक अर्स, तुम लोगों के ज़हन बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं है। यू सी वी कंट्रोल आवर थॉट्स, मैं पता है हम लोग अपनी सोचों को कंट्रोल कर लेते हैं, व्हाइल यू, जबकि तुम लोग, वेल इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द थिंग यू थिंक अबाउट, तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, अजीब अजीब सोचें चलती हैं तुम्हारे जहन में। एलन, ओ हाउ ऑफुल यू कैन टेल एवरीथिंग वी थिंक, वैसे कितनी बुरी बात है हम कुछ भी सोचते हैं तुम उसके बारे में बता देते हो। मतलब यहाँ पर एलन को प्राइवेसी इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि क्रीटोन उसका माइंड रीड कर लेता है और वो क्या सोच रही है उसको अच्छा नहीं लग रहा कि क्रीटोन इस बारे में जाने। क्रीटोन, एवरीथिंग, सब कुछ पता चल जाता है, इट्स वन ऑफ द रीजन आई एम हियर टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ विद योर प्रिमिटिव माइंड, सब कुछ पता चल जाता है मुझे और मेरी आने की एक वजह भी यही है, तुम लोगों की पुरानी सोचों को जानकर मुझे बहुत मजा आता है। विद द वंडरफुल रॉनेस ऑफ योर इमोशंस, जब मैं तुम लोगों के ये खाली जज्बात को जान लेता हूँ, यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे कितना मजा आता है। यू सिंपली सीट विद अनलाइकली इमोशन, तुम लोग बस गैर मामूली जज्बात की वजह से तड़पते रहते हो। एलन कहती है, आई हैव नेवर फेल्ट सो
so sordid. इससे पहले कभी मुझे अपनी इतनी इंसल्ट महसूस नहीं हुई. यानी एलन को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जो कुछ सोच रही थी ये जान लेता है और ये अब इस तरह से कह रहा है कि हम लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा प्रिमिटिव हैं. ये इनडायरेक्टली इंसानों की इंसल्ट कर रहा है. जॉन, फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर. भाई अब से तो अब मैं सिर्फ खाली एग्रीकल्चर के बारे में सोचूंगा. स्पेलिंग कहते हैं यू वुड. हाँ बस तुम तो बस खाली एग्रीकल्चर के बारे में ही सोचना. एलन, डैडी. क्रीटोन, नो नो यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन. नहीं नहीं तुम बस सोचते रहो एलन के बारे में सोचते रहो. सच वंडरफुल पर्पल थॉट्स. बड़ी रंगीन सोचे हैं तुम्हारी. स्पेलिंग, नाउ सी हियर पावर्स, यू आर कैरिंग दिस मार्शल लॉ थिंग्स टू फार. स्पेलिंग पावर्स से कहते हैं, देखो पावर्स तुमने ये मार्शल लॉ को ज्यादा ही लंबा लगा दिया है. पावर्स, अनफॉर्चुनेटली अंटिल आई हैव रिसीव्ड वर्ड फ्रॉम वॉशिंगटन एज टू द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. माजरा चाहता हूँ जब तक मेरे पास वॉशिंगटन से इस सारे मसले का कोई हतमी जवाब नहीं आ जाता. यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स. आप लोगों को यू ही मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे. नो टेलीफोन कॉल्स, ना तो आप किसी को फोन कर सकते हैं. नो कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड, और ना ही आप बाहर किसी से राब्ता कर सकते हैं. स्पेलिंग, दिस इज अनसपोर्टेबल. नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है ये सब. क्रीटोन, पुअर मिस्टर स्पेलिंग, इफ यू लाइक आई शैल गो, दैट्स व्हाट सॉल्व एवरीथिंग वुडंट इट. बेचारे मिस्टर स्पेलिंग, अगर आप बोले तो मैं वापस चला जाता हूँ, मेरी वजह से ही सारे मसाइल हो रहे हैं ना. पावर्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रीटोन अंटिल आई हैव हैड माय इंस्ट्रक्शन. तुम कहीं नहीं जा रहे मिस्टर क्रीटोन जब तक मेरे पास वॉशिंगटन से कोई जवाब नहीं आ जाता. क्रीटोन, आई सिंसियरली डाउट इफ यू कुड स्टॉप मी. काश आप मुझे रोक सकते. हाउएवर आई पुट इट अप मिस्टर स्पेलिंग शैल आई गो. चले खैर मैं मिस्टर स्पेलिंग पे छोड़ता हूँ कि मिस्टर स्पेलिंग आप बताएं क्या मैं चला जाऊँ. स्पेलिंग, यस जी बिल्कुल. पावर्स जेस्टर्स ऑफ वार्निंग. पावर्स घूर कर देखते हैं मिस्टर स्पेलिंग और इशारे से मना करते हैं कि इसको मना करो. डू स्टे आई मीन, हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप रुक जाएं. We want you to get a good impression of us. मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बारे में अच्छा सोच कर जाएं यहाँ से. क्रीटोन, and of course you still want to be the first journalist to interview me. तो वैसे भी पहले जर्नलिस्ट बनना चाहते थे ना जो मेरा इंटरव्यू करना चाहता है. Fair enough, चले ठीक है. All right, I'll stay on for a while. मैं बस चले रुक जाता हूँ आपके लिए थोड़ी देर और. Powers, thank you. Creton, don't mention it. शुक्रिया की जरूरत नहीं है. Spelling, Journal, may I ask our guest a few questions? Journal, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं क्रीटोन से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? Powers, go right ahead. जी जी बिल्कुल पूछिए रॉजर. I hope you will do better than I did. मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर सवाल तो आप भी पूछ लेंगे. Spelling, since you read our minds, you probably already know what our fears are. तो तुम अगर हमारे जहनों को पढ़ लेते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हम लोगों को क्या खौफ या खतरात लाहिक हैं. क्रीटोन, आई डू, यस हाँ बिल्कुल मुझे पता है. वी आर अफ्रेड दैट यू रिप्रेजेंट अ होस्टाइल रेस. देखो हमें खदशा है कि तुम किसी दुश्मन कौम के नुमाइंदे हो. क्रीटोन, एंड आई हैव अश्योर्ड जनरल पावर्स दैट माय पीपल आर नॉट रिमोटली होस्टाइल. और मैं पहले ही जनरल पावर्स को यकीन दिला चुका हूँ कि मेरी दुनिया के लोग आप लोगों के दुश्मन नहीं है. एक्सेप्ट फॉर मी नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लैनेट्स प्रेजेंट एज. और मेरे अलावा कोई भी इस प्लैनेट की मौजूदा तरक्की के बारे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता. स्पेलिंग, डज दिस मीन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन अ लेटर स्टेज. तो क्या इसका मतलब है कि तुम लोग हमारे आने वाले दौर की तरक्की के बारे में दिलचस्पी रखते हो? क्रीटोन, आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्कस योर फ्यूचर. मैं अब आप लोगों को फ्यूचर के बारे में तो नहीं बता सकता, मुझे इजाजत नहीं है. ऑफ कोर्स माय फ्रेंड थिंक मी प्रिजर्व टू बी इंटरेस्टेड इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी. वैसे भी मेरे दोस्त मुझे बहुत ही अजीब समझते हैं कि मैं आप लोगों की इतनी पुरानी सोसाइटी के बारे में इंटरेस्टेड हूं. बट देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट इज देयर. और वैसे भी कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता. यू आर माय हॉबी. आप लोग तो वैसे ही मेरी हॉबी हैं. आई लव यू एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट. और बस मुझे आप लोगों से मोहब्बत है और बस इसी वजह से मैं यहाँ जमीन पर आया हूँ. पावर्स, सो यू आर जस्ट हियर टू लुक अराउंड सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव. तो तुम बस यहाँ जमीन पर घूमने फिरने के लिए आए हो, मतलब तुम नेटिव बनना चाहते हो, मकामी लोगों की तरह रहना चाहते हो. क्रीटोन, व्हाट अ नाइस एक्सप्रेशन. अब क्या जबरदस्त बात कही आपने. दैट इज एग्जैक्टली, जी बिल्कुल, आई एम गोइंग टू नेटिव. मैं मकामी लोगों की तरह ही रहना चाहता हूँ, मकामी बनना चाहता हूँ. पावर्स ग्रिमली, वेल इट इज माई व्यू दैट यू हैव बीन सेंट हियर बाय अनदर सिविलाइजेशन फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ रिकॉनाइटरिंग प्रियर टू इन्वेजन. पावर्स गुस्से से दांत भीजते हुए कहते हैं, वेल खैर मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें यहाँ किसी दूसरी कौम ने भेजा है और तुम्हारा मकसद यहाँ पर हमारे बारे में जायजा लेना है और तुम हमले की तैयारी कर रहे हो. क्रीटोन, दैट वुड बी योर व्यू. ये तो आपको लगता है ना. द वंडरफुली प्रिमिटिव अजम्पशन दैट ऑल स्ट्रेंजर्स आर होस्टाइल. कितनी अजीब सोच है आप लोगों की कि सारे अजनबी जो हैं, सारे स्ट्रेंजर्स जो हैं, वो आप लोगों के दुश्मन हैं. यू आर ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू जर्नल. आप लोग बहुत ही सच्चे हैं जर्नल साहब, कैसी बात करते हैं. पावर्स, यू डोंट डिनाई योर पीपल इंटेंट टू मेक
टेक ट्रबल फॉर अस। तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारी दुनिया के लोग हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं है? क्रिटोन, आई डिनाई इट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पावर्स, देन दे आर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद अस। तो क्या तुम्हारी दुनिया के लोग हमसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? ट्रेड, दैट काइंड ऑफ थिंग, कोई कारोबार वगैरह या किसी और तरह की सरगर्मी? क्रिटोन, वी हैव ऑलवेज हैड कम्युनिकेशन विद यू। कम्युनिकेशन तो हम लोग हमेशा से आप लोगों से करते हुए आ रहे हैं। एज फॉर ट्रेड, वेल वी डू नॉट ट्रेड। और जहां तक ट्रेड का ताल्लुक है तो देखें, हम लोग कारोबार तो हम लोग नहीं करते। दैट इज समथिंग प्रिक्यूलर ओनली टू योर सोशल लेवल। ये कारोबार वगैरह तो बस आप लोगों की सोसाइटी में ही होता है। कोई क्लियर, उसके बाद फिर जल्दी से कहता है, वेल आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, खैर मैं आप लोगों पर तनकीद नहीं कर रहा। एज यू नो आई एम अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू। आप लोगों को तो पता है कि मुझे तो आप लोगों के बारे में जो भी आप करते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पावर्स, आई गिव अप, बोलते भाई मैं हार मान गया। सही है। स्पेलिंग, यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन वेल ट्राइंग टू डोमिनेट दैट। तो क्या तुम लोगों का जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है? क्रिटोन, ओ यस, नहीं बिल्कुल है। पावर्स, आई थॉट यू जस्ट सेड यू पीपल वंट इंटरेस्टेड इन अस। मेरा ख्याल अभी तो तुमने कहा था कि तुम लोगों का इरादा बिल्कुल भी नहीं है कोई हमला करने का। क्रिटोन, दे आर नॉट बट आई एम। मेरे लोगों का इरादा नहीं है लेकिन मेरा तो है। पावर्स, यू, तुम्हारा है? क्रिटोन, मी, आई मीन आई, जी बिल्कुल मेरा इरादा है। यू सी आई हैव कम हियर टू टेक चार्ज। आपको पता है मैं आया ही जमीन पर कब्जा करने के लिए हूँ। ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब तुम अमेरिका पे कब्जा करने आए हो? नो, ऑफ द होल वर्ल्ड, नहीं मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करने आया हूँ। आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर, मुझे पता है आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, और मेरे लिए तो ये बड़ा फन होगा। यू विल गेट यूज्ड टू इट इन नो टाइम, और बहुत जल्दी आप लोगों को आदत हो जाएगी, मतलब आप लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। पावर्स, दिस इज रिडिकुलस, क्या बकवास है ये? हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, किस तरह एक आदमी पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है? क्रिटोन गेली, वेट एंड सी, बस इंतजार करें और देखते जाइए। पावर्स टू एज, ग्रैब हिम, पावर्स ग्रैब से कहते हैं पकड़ो इसको। पावर्स एंड एज रश क्रिटोन, बट विद इन अ फुट ऑफ हिम दे स्टॉप स्टन। पावर्स और एज क्रिटोन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं लेकिन उससे एक फुट के फासले पर अचानक से हैरत ज़दा होकर रुक जाते हैं। क्रिटोन, यू कैन टच मी, आप मुझे छू भी नहीं सकते। दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, यही तो असल कहानी है। ही योन्स, उसके बाद वो जमाई लेते हुए बोलता है, Now if you don't mind, अगर आप इजाज़त दें, I shall go up to my room for a little lie down. अब मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मुझे सोने दें। Spelling, I'll show you the way. चले आए, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। क्रिटोन, that's all right. नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। I know the way, मुझे पता है कमरा किस तरफ है। Touches his bro, अपनी आईब्रो पर हाथ रखते हुए बोलता है, Such savage thoughts, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं भाई। My head is vibrating like a drum, मेरा तो सर किसी ढोल की तरह बज रहा है। I feel quite giddy all about your thinking. मेरा तो सर ये सोच सोच कर चकराने लगता है कि पता नहीं क्या क्या सोचते हैं आप लोग। He starts to the door, वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है। He pauses beside Mrs. Spelding, और Mrs. Spelding के पास रुक कर कहता है, No, it's not a dream, dear lady. नहीं नहीं आप कोई ख्वाब नहीं देख रही। I shall be here in the morning when you wake up. मैं सुबह भी यही होगा जब आप सोकर उठेंगी। And now good night. अच्छा भाई good night, dear wicked children. He goes out. अच्छा भाई शरारती बच्चों good night. और ये कहते हुए वो चला जाता है।